वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम कूपर की पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। विलियम कूपर का बर्थ 1731 में हुआ था। यह ट्रांजिशन फॉर्म मतलब अगस्टियन वैल्यू रोमांटिसिज्म के एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट रहे हैं। ये ट्रांजिशनल पोइट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। विलियम कूपर ने ये पोएम तब लिखी जब उनकी कज़न एने बोधम ने उन्हें उनकी मदर का पिक्चर गिफ्ट किया था। विलियम कूपर हैं जो उनकी मदर की डेथ 6 ईयर्स की एज में हो गई थी, और जो उनके सिस्टर हैं उन्होंने ये पिक्चर उन्हें जब वो 58 ईयर्स के हो गए थे तब उन्हें ये पिक्चर दी। तो इतने लंबे समय के बाद उन्हें उनकी माँ की याद में वो तस्वीर मिली, तो उस चीज़ से प्रभावित होकर उनकी माँ को मतलब उनकी माँ की स्नेह की बचपन की यादों की किस तरह से वो बचपन में रहा करते थे ये सब करते हुए अपनी उसकी मृत माता को याद करते हुए उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए उन्होंने ये रिसिप्ट मतलब ये पोएम लिखी है। एंड नाउ वी स्टार्ट द पोएम। विलियम कूपर अपनी माँ की तस्वीर देख रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो तस्वीर को देखते हुए बोल रहे हैं ओ दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, कि काश जो ये लिप्स है उसमें लैंग्वेज होती, मतलब काश ये जो तस्वीर है वो बोल सकती। लाइफ हैज़ पास्ड विथ मी बट रफली सिंस आई हियर्ड दी लास्ट, कि जब से मैंने आपको अंतिम बार सुना है मतलब जब मैंने आपको लास्ट बार सुना था उसके बाद से मतलब मेरा जो जीवन है वो रफली मतलब बहुत ही स्ट्रेस के साथ और दुख के साथ गुजर रहा है। दोज लिप्स आर दाइन, और जो ये तस्वीर है इसमें जो लिप्स है वो बिल्कुल आपके ही हैं, मतलब जब वो उनकी माँ की मृत्यु हुई थी तब तभी 6 साल के थे, तो उनकी जो यादें थी उनकी माता की वो उनकी नज़रों में धुंधली हो चुकी थी, पर उन्हें वो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो होंठ बने हुए हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह हैं। दाई ओन स्वीट स्माइल्स आई सी, और इस तस्वीर में जो हंसी है वो भी बिल्कुल मुझे मतलब जैसे मैं बचपन में देखा करता था उसी प्रकार नज़र आ रही है। द सेम दैट ऑफन इन चाइल्डहुड स्कॉल्ड मी, कि जो है ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे बचपन में आप मुझे जो मतलब क्या करती थी सांत्वना देती थी उस प्रकार है, ये कंसोल करती थी जैसे आप बचपन में, उसी प्रकार ये स्माइल मुझे आपके चेहरे पे नज़र आ रही है। वॉइस ओनली फील्स, मतलब केवल आवाज़ ही शांत हुई है। एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से, और इसके अलावा मतलब कितने स्पष्ट रूप से ये तस्वीर मुझे कह रही है, और आप कितने स्पष्ट रूप से मुझे कह रही हूँ ग्रीव नॉट माई चाइल्ड चेज ऑल दाई फियर्स अवे, कि मेरे पुत्र ग्रीव मत करो मतलब दुख मत करो, और ये जितनी भी मुसीबतें फियर्स है जो दर्द है तुम्हारे अंदर दुख है उसको चेस करो मतलब उसे भगा दो अपने जीवन से। द मीक इंटेलिजेंस ऑफ दोज डियर आइज, और जो ये डियर आइज है मतलब जो ये प्यारी आंखें हैं उसकी जो मीक इंटेलिजेंस है मतलब उसकी जो काइंडनेस है उसके अंदर जो दयालुता है वो उनकी आँखों में जो दयालुता है वो ब्लीस्ड बी द आर्ट दैट कैन इमोर्टलाइज, कि ब्लीस्ड मतलब ये जो आर्ट है ये कला है उसको धन्यवाद देना चाहिए, देता हूँ मैं मतलब उस कला को धन्यवाद देता हूँ दैट कैन इमोर्टलाइज, जिसने आपको अमर बना दिया है मतलब इस तस्वीर को बनाने वाले को वो धन्यवाद देना चाह रहा है कि जिसने आपको इस तस्वीर में उतार कर बिल्कुल अमर बना दिया है। द आर्ट दैट बेफेल्स टाइम टायरनिक क्लेम टू क्वेंच इट, और जो ये कला है वो बेफेल्स मीन्स हरा देगी, जो समय ने जो निर्धनता पूर्वक जो प्रयत्न किए हैं जो मतलब क्वेंच है यानी इस कार्य को नष्ट करते हैं, तो जो समय है उसने जो निर्धनता पूर्व मतलब ये सब चीज़ों को वो हरा देगी। हर शाइन्स ऑन मी स्टिल द सेम, और जो ये चमक है मतलब जो पहले की तरह है वो मेरी ओर चमक रही है, मतलब जो आपका प्रेम है वो मेरी तरफ अभी भी उसी प्रकार चमकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ऐसे वो पॉइंट बोल रहे हैं। फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, कि किसी व्यक्ति की जो ये फेथफुल रिमेम्बरेंस है मतलब ये तस्वीर है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। ओ वेलकम गेस्ट, अब वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। दाउ अनएक्सपेक्टेड हियर, कि आपके मतलब इस प्रकार यहाँ आने की मैंने कभी भी आशा नहीं की थी। हु बिडेस्ट मी ऑनर विथ एन आर्टलेस सॉन्ग, और जो मुझसे अब कह रही है मतलब मुझे ऑर्डर दे रही है कि मैं उनके सम्मान में एक आर्टलेस सॉन्ग मतलब एक कलात्मक गीत लिखूं। अफेक्शनेटेड अ मदर लॉस्ट सो लॉन्ग, और मतलब मैं अपनी माँ की याद में एक गीत लिखूं, इस प्रकार वो तस्वीर मुझे ऑर्डर दे रही है
कि मैं मतलब मेरी माँ मुझे बहुत दिनों में मिली है इस चीज़ के लिए, उनके प्रेम के लिए मैं इस कविता को लिखूँ, आई विल ऑबे। अब वो यूँ कह रहे हैं कि मैं इस बात का पालन करूँगा, नॉट विलिंगली अलोन, मतलब ऐसे ही नहीं करूँगा, मतलब बिना इच्छा से नहीं करूँगा, बट ग्लैडली, लेकिन उत्सुकता से ग्लैडली इस काम को मैं करूँगा, एज द प्रिसेप्ट वर हर ओन, इस प्रकार करूँगा जैसे कि वो खुद मुझे इस चीज़ की आज्ञा दे रही। एंड वाइल दैट फेस रिन्यू माई फिलियल ग्रीव, और जो ये फेस है मतलब जो ये तस्वीर का जो चेहरा है वो मेरे जो ग्रीव है, जो मतलब मेरी माँ के याद का जो मेरा दुख है उसको ये वापस रिन्यू कर देगा, मतलब पुनर्जागृत कर देगा जो ये मेरे ग्रीफ है उसको। फैंसी शेल वियर व चार्म ऑफ माई रिलीफ, और जो ये मतलब माता की याद है, मैं कुछ समय के लिए कल्पना कर लूँगा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, मतलब वो जीवित है। शेल स्टिप मी इन एंशियंट रिवाइव, और जो इस प्रकार की जो कल्पना है शायद मुझे मतलब आनंद प्रदान करेगी, इस प्रकार अगर मैं कल्पना करूँगा कि मेरी माँ जीवित है तो ये बात मुझे आनंद प्रदान करेगी। अ मोमेंट्री ड्रीम दैट दाउ आर्ट शी, और ये है एक अल्पकालीन स्वप्न के समान होगा कि आप मेरे सामने जीवित रूप में खड़ी हो। माय मदर व्हेन आई लर्न दैट दाउ वाज दैट, अब कबीर जो अपनी माँ है उसकी तस्वीर को एक जीवित इंसान मानकर बोल रहा है कि मेरी माता, जब मुझे पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है, से वॉज दाउ कॉन्शिकियस ऑफ द टेयर आई शेड, कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने आपकी मृत्यु में इतने आंसू बहाए हैं, मतलब मैंने आपकी जब मृत्यु हुई तो मैं उस मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। हाउ एवर दाई स्प्रिट ओवर द सोरोइंग सन, और मैं ये भी जानता हूँ माँ कि जब आपकी मृत्यु हुई तो आप मतलब मेरे आसपास ही होगी और अपने जो सोरोइंग सन है मतलब दुखी पुत्र को देख रही होगी। ब्रेच इवन देन लाइफ जर्नी जस्ट बिगेन, और तब ये जो जीवन है उस तभी से शुरू हुआ। परहैप्स दाउ गेवेस्ट मी दाउ अनसीन अ किस, और शायद आपने मुझे दुखी देखकर, मुझे रोता हुआ देखकर आपने मुझे किस किया होगा, मतलब मेरे फोरहेड को चूमा होगा। अब ये किस अगर भौतिक शरीर रूपी इंसान नहीं दे सकते तो आपकी आत्मा ने मुझे दिया होगा। परहैप्स अ टेयर इफ साउल कैन वीप इन ब्लीस, और या तो फिर आपने भी मुझे देखकर मुझे दुखी देखकर शायद आंसू बहाए होंगे। इफ साउल कैन वीप इन ब्लीस, अगर जो आत्माएँ हैं ब्लीस में अगर दुखी हो सकती रो सकती तो आपने भी ज़रूर आंसू बहाए होंगे। ए दैट मैटरनल स्माइल इट आंसर यस, और कवि खुद ही अपने आप में आंसर दे रहा है कि जो ये स्माइल है मतलब तस्वीर है वो आंसर दे रही है कि हाँ आपने ये सब कुछ किया है। अब आगे पोइट बता रहे हैं कि आई हियर्ड द बेल टोल्ड ऑन दाय बरियल डे, कि मैंने वो आवाज़ें सुनी थी, मतलब जिस दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो उसने वो घंटियों की आवाज़ सुनी थी, मतलब जिस दिन उसको दफनाया गया था। आई सॉ द हीयर्स दैट बोर्ड्स दी स्लो अवे, और मैंने उस हीयर्स मतलब जो लकड़ी की पेटी होती है जिसमें शव रखा जाता है, तो वो यूँ कह रहा है कि मैंने उसे देखा था जो मतलब तुम्हारे शव को धीरे धीरे गिरजाघर की तरफ ले जा रहे थे। एंड टर्निंग फ्रॉम माई नर्सरी विंडो ड्रीम, और मैं ये सब कुछ अपनी जो कमरे की खिड़की से देख रहा था। फिर वो ये देखते हुए पीछे हट जाता है। अ लॉन्ग लॉन्ग साय एंड वीप अ लास्ट ड्यू, और मैं मतलब जो वो पॉइंट है वो बहुत ही लंबी लंबी आहें भरते हुए उसकी माँ की विदाई देता है और बहुत ही दुखी होता है। बट वॉज इट सच इट वॉज, क्या फिर कभी कल्पना करते हुए कह रहे थे कि ये क्या ये सही है, ऐसा कहकर शायद वो गलती कर रहे हैं, मतलब क्या वो अंतिम विदाई थी। वेयर दाउ आर गॉन, तुम कहाँ चली गई माँ। एडिव एंड फेयरवेल आर अ साउंड अननोन, और जो ये विदाई के जो गीत हैं और जो ये फेयरवेल से जो तुम्हें विदाई दी गई, ये सब इसके जो साउंड है वो सब उसे नहीं पता, ये सब उसके लिए अननोन है, वो इन सब चीज़ों से अज्ञात है। मे आई बट मीट दी ऑन द पीसफुल शोर, अब जो कवि है वो यूँ कल्पना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है माँ मैं आपसे एक पीसफुल शोर मतलब स्वर्ग में मिलूँ। द पार्टिंग साउंड शेल पास माई लिप्स नो मोर, और स्वर्ग में जाने के बाद हो सकता है कि वहाँ से मतलब किसी की वापसी नहीं होती, किसी की विदाई नहीं होती, तो हो सकता है कि मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँगा। दाई मेडन ग्रीव देमसेल्फ एट माई कंसर्न, कि जो ये नौकरानियाँ थी मतलब आपके जाने के बाद इन लोगों ने मुझे बहुत ही कंसर्न किया, मतलब मुझे विश्वास दिलाया।
ऑफन गेव मी प्रॉमिस ऑफ अ क्विक रिटर्न। और ये जो मेडेंस थी, मतलब जो नौकरानियाँ थी, ये अधिकतर मुझे प्रॉमिस करती थी कि आप वापस आएंगी। वॉट आर्डेंटली आई विश आई लॉन्ग बिलीव्ड। और कितनी उत्सुकता से मैं इनकी बातों पर यकीन कर लेता था और मैं इच्छा करता था कि आप जल्दी ही वापस आने वाली हैं। एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल वॉज स्टिल डिसीव। और मुझे हमेशा ही क्या, निराशा ही हाथ लगती, मैं हमेशा ही डिसअपॉइंट होता। वॉज स्टिल डिसीव, और हमेशा इस धोखे में ही रहता। बाय डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बिगिल्ड, और हमेशा ही इस निराशा से, इस डिसअपॉइंटमेंट से मैं छला जाने लगा। ड्यूप ऑफ टुमारो इवन फ्रॉम अ चाइल्ड, और मैं बचपन से ही मतलब कल के प्रति आश्रित रहने लगा कि मतलब भविष्य में कल की जो बात होती है उसे वो सोचने लगा कि उसकी माँ कल आएगी, कल आएगी, कल आएगी, और वो उस कल का इंतज़ार करने लगा। थस मैनी अ सैड टुमारो केम एंड वेंट, और इसी प्रकार अनेक कल आए और अनेक कल आकर चले गए। टिल ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फिनेट सोरो स्पेंट, जब तक कि जो मेरे ये गम थे, मतलब आपकी जो विदाई थी, तब जो उसका जो दुख है वो जब तक कम नहीं होता गया, मैं उस कल का इंतज़ार करता रहा। और जो मेरी बचपन की यादें हैं, जब तक वो कम नहीं हुई, तब तक मैं उस कल का इंतज़ार ही करता रहा और दुख मनाता रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे की पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।